तो पीयूष ने बजाया बद्रीनाथ में शंख। पीयूष दानव आएगा, दानव बद्रीनाथ में नहीं बसता शंख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी उठे हम, शिवाय अभी सोया हुआ है। हम जा रहे हैं आज बद्रीनाथ। ईशान भी आ गया। ईशु गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? हो गए लोग तैयार सब? हाँ हो रहे हैं। शिवाय बद्रीनाथ, ओ शिवाय शिवाय। तो ये अभी उठ नहीं रहा, उठाते हैं इसको। शिवाय शिवाय बद्रीनाथ, उठो 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 बद्रीनाथ बद्रीनाथ। देख शिवाय आरब तैयार हो गया, आरब भी हो गया तैयार। हेलो गाइस, जस भी हो गया। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। शिवाय को जबरदस्ती उठा दिया। हाँ गुड मॉर्निंग बोलो सर, पहले गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हो रही है बारिश, आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है। शिवाय हम कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ। अच्छा, शिवाय भी जा रहे हैं, और कौन कौन जा रहे हैं? बताओ बताओ कौन कौन जा रहे हैं। और शिवाय को पता नहीं है कौन कौन जा रहे हैं? ये सब पता। हाँ बताओ तो। आरव। हाँ। और मम्मी। चाची। दीदी। कुकू। और दादाजी, दादा, दीदी, पिताजी, दीदी, सभी जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और अरब नहीं आ रहा? मामा आ रहा है। हाँ। चलो तो गाइज, हम चलने की तैयारी पे हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में बद्रीनाथ के लिए। जय हो बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय जय जय। कहाँ है शिवाय? बोल जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अरब। जय बद्री विशाल। अभी हम जोशीमठ में बद्रीनाथ स्टैंड पर निकल रहे हैं आगे बद्रीनाथ की ओर। अभी हमें पेट्रोल भी भराना है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम है। अभी पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। से 2-3 किलोमीटर आ गए। रोड काफ़ी सक्रिय है, यहाँ पे जाम लग रहा है, मौसम भी खुलने लगा है, अभी धूप निकली है। बाकी पहाड़ी पे भी बादल हैं। यहाँ से हेमकुंड साहिब है 19 किलोमीटर, फूलों की घाटी है 17, घांगरिया हो गया 13 किलोमीटर। तो यहाँ से घांगरिया के लिए 3 किलोमीटर पहले पुल में जाते हैं गाड़ी में, वहाँ से पैदल है। फिर घांगरिया पहुँचने के बाद 2 रूट हैं अलग अलग, एक फूलों की घाटी के लिए और दूसरा हेमकुंड साहिब के लिए। Thank you.
अभी पहुंच गए हम पांडुकेश्वर में। ये पांडुकेश्वर गांव है नीचे, यहाँ से आधा रह जाता है बद्रीनाथ 22 किलोमीटर, जोशीमठ से 44 किलोमीटर है। ये है पांडुकेश्वर गांव। ये हमारी गाड़ी। आरब कैसा लग रहा है सफर में? अच्छा। तबीयत खराब हो रही? एक गाड़ी हमारी आगे चली गई है, उसमें पापा और चले गए, ईशान पीयूष उसी में है। आरब ने आज बाजी मार दी हमारे साथ चलने के लिए। यहाँ पे है शिवाय, कह रहा है मुझे कि गोदी में उठाओ, इतना बड़ा हो गया है। मम्मी क्यों थकान लग गई क्या? इधर आओ। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। थकान लग गई? गाड़ी में थकान लगती है कभी? हाँ, गोदी रखना है। अब पहुँचे हैं हम हनुमान चट्टी और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। आप लोग तो गाइस पहुँच गए हम बद्रीनाथ। यहाँ पे हैं शांतोर पीयूष, ये हमसे पहले पहुँच गए थे। तो सामने है बद्रीनाथ जी का मंदिर। चलो चलो ईशान आ रहा है, अभी पहुँच गए तब तक पीयूष। हाँ मैं नहीं आ रहा है। क्यों? शिवाय हम यहाँ देख यहाँ देख। शिवाय नहाएगा? क्यों नहाएगा भाई? घर से तो कह रहे थे ना नहाऊंगा। बस कौन सा स्नान? जा पीयूष। हेलो आगे बढ़ो। बहुत देर लोग भाग रहे रास्ते में, घर की चर्चा कर। वहाँ से नहीं जाना था हमें जी सर, ऐसे निकल जाएंगे। मम्मी नानी का मन कर रहा है।
जब वो कुंडन डुबकी लगे जा रहे हैं। नीचे उतर रहा हूँ। चलो अभी हम हैं मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर, भगवान विष्णु विशाल जी के दर्शन कर लिए हमने और सभी बच्चों को भी करा दिए, सभी लोगों ने कर लिए। ये दोबारा दर्शन करने गए, करा रहा हूँ मैं, दो दो बार दर्शन किया आज। जय बद्री विशाल, दो दो बार दर्शन हुए आज। जय हो लक्ष्मी नारायण। शिवाई हेलो कर दो, स्माइल। फोटो भेजता हूँ आपको, चलो भैया रखता हूँ। मूसा, मूसा जी, मूसा जी, अभी हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम हैं अलकनंदा नदी के ऊपर बने हुए पुल पे। दिखाई दे रहा है और ये आ गए हैं दर्शन करके। आरब अब ठीक हो? आज हाय गाइस नहीं बोल रहा, उसे ठंड लग गई है आज। हाँ खाली पेट है। अच्छा सर घूम गया है, अभी खिलाएंगे मैगी। और दादा कहाँ है? दादा अंदर, जहाँ जो है भगवान जी की मूर्ति मिली थी उसके अंदर नारद कुंड। कौन सी कुंड है ये? नारद शिला। नारद कुंड, ये नारद शिला है? ये नारद शिला। अच्छा ये वाली है नारद शिला। और मूर्ति कहाँ मिली थी? उसके अंदर वो नारद कुंड। अच्छा जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से वो दिखाई दे रहा है, जिला जिला अंदर। इधर नहीं, यहाँ नहीं। हाँ उसके पीछे है। अच्छा उस तरफ। हाँ इतना बज रहा, मतलब बज रहा है। राजा जी ने शंख बजाया बद्रीनाथ ने। तो पीयूष ने बजाया बद्रीनाथ में शंख। पीयूष दानव आएगा, दानव बद्रीनाथ में नहीं बसता शंख। तो गाइस शंख तो बजता है बद्रीनाथ में, केवल मंदिर के अंदर नहीं बजता, बाहर तो बजा सकते हैं। जैसा अभी पीयूष ने बजाया, सांस फूल गई है उसकी। और ले लूंगी बेटा, और ले रही हूँ। यहाँ पे खा रहे हैं खस्ता कचौरी, कैसे स्वादार है? हाँ मजेदार, टेस्टी, अच्छा बना रखा। तीखा 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 टेस्टी और अच्छा। अब हम जा रहे हैं माना की तरफ, माना गांव में दर्शन करने के बाद अब जाएंगे हम माना से आगे भीमपुर। Oh, oh, oh.
पुराना गांव में जो पार्किंग है, और जा रहे हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भारत के अंतिम गांव माणा में। सबसे आगे मैं और पीयूष, बाकी तो अभी आए नहीं कोई, सब पीछे ही है। अब पहुँचे हैं जय शिखा, जस्सी और हमारी गुनगुन, इनका स्वागत है माना गांव में, जो है कि भारत का आखिरी प्लेस, अंतिम गांव। तो आप पहुंच गया है हमारा शिवाय अपनी मम्मी के साथ, साथ में ईशांत। अच्छा एक और बड़ी मम्मी भी आ गई हैं, और ईशांत है स्कूटी चलाने के मूड में। पीयूष ने बद्रीनाथ में संगा और ईशांत स्कूटी चलाएगा माना गांव में। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, इसके ऊपर है भीम पुल जिसमें हम खड़े उर्क, और आगे जा कर के सरस्वती नदी अलकनंदा में समा जाती है। आगे से दिखाई देगी। यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और इस तरफ बन रहा है माँ सरस्वती का मंदिर, अभी कार्य प्रगति पर है। जब ये बन जाएगा फिर होंगे यहाँ पे दर्शन। तो ये है भीमपुर जिसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर पहले खड़े थे, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको पूरा नज़ारा, सरस्वती नदी, आगे है अलकनंदा यहाँ पर। और ये पूजा यहाँ पे थक गई है, भूख लग रही मम्मी। अरे कैसा लगा? परी कैसा लगा? अच्छा। भीमपुर कैसा लगा? अच्छा। बद्रीनाथ का टूर कैसा रहा? अच्छा। तो तू ऐसे सुस्त क्यों हो रही? मम्मी भूख लग गई। यार पीयूष यहाँ देख कैसे लगी, सब तो भरा पड़ा है। हाँ वही है, तो गाई जब जा रहे हैं हम माना गांव से वापस घर की ओर, अपने बसेरे की ओर। किसी को कैसे लगा तू? बहुत अच्छा। अब हाई गाइस कहाँ बोलेंगे तो भाई गाइस बोले। कल तो जा रहे गाइस हम दिल्ली, मैं कल गाइस दिल्ली जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, हम मिलेंगे गाइस आपको एक साल बाद। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।